बिना ड्राइवर अति गार्ड तो कई किलोमीटर तक दौड़ती रही मालगड्डी 70-80 की स्पीड से जम्मू तो रोल डाउन होके पहुंची पंजाब हुशियारपुर के उच्ची बस्ती दे विच ट्रेन नू रोकिया। अंतरराजी हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश जलंधर पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर लंडा के 3 गुरगियां नू कीता गिरफ्तार हवाला के पैसों तो मंगवाए हथियार भी बरामद। दिल्ली एयरपोर्ट तो अंतरराजी नशा तस्कर काबू कैनेडा भजन की फिराक के मुलजम ड्रग तस्करी के मामले के एक साधु से लोड़ींदा। सड़क हादसे च मारे गए गुरजंट सिंह की मृतक देह लियांदी गई शंभू बैरियर किसानों ने भेंट की श्रद्धांजलि शंभू पहुंचने वेले राजपुरा च हादसे का शिकार होया सी ट्रैक्टर। किसान लीडर ने चंडीगढ़ पीजीआई पहुंच के प्रतपाल सिंह दे नाल की मुलाकात नौजवान का जाणिया हालचाल कल ही रोहतक पीजीआई तो चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया प्रतपाल। 14 दिन बाद हरियाणा दे विच बहाल हुई इंटरनेट सेवा किसान अंदोलन के चलते 10 फरवरी तो 7 जिलों के लगाई गई सी पाबंदी पर पंजाब के 7 जिलों के 20 इलाकों में रोक जारी। दिल्ली के खुलन लगे सिंगू और टीकरी बॉर्डर तोड़िया जा रही ने कंक्रीट दियां कंधा बैरीकेड भी हटाए किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सील किए गए सन बॉर्डर। केंद्र की प्रदर्शनकारियों के नाल गलबात के रस्ते खुले केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री अर्जुन मुंडा बोले साड़ी कोशिश चर्चा जरिए ही निकले हल सारिया के सुझावों का है स्वागत। थोड़ी देर दे मन की बात करेंगे पीएम मोदी 110वें एपीसोड के राही देशवासियों दे होणगे मुखातिब पिछले प्रोग्राम के राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से की सी चर्चा। न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट के लगी भयानक अग 27 साल के भारतीय नागरिक की मौत 17 लोग झुलसे। सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तो वड्डी खबर की शुरुआत करते हैं। मालगड्डी रोल डाउन मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। दस दिए कि रेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। जिम्मेवार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए हैं कि सख्त एक्शन होवे क्योंकि वड्डा हादसा हुण टलिया तो रेल मंत्री के वलों जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। दस दईए कि पठानकोट तो कठुआ तो यह रेल जी है मालगड्डी जी है हुशियारपुर पहुंची थी। तो दस दईए कि रेल मंत्री के वलों और गड्डी जो साफ तौर पर जिस तरीके 70-80 किलोमीटर की स्पीड के नाल पहुंच रही थी दौड़ रही थी बिना ड्राइवर बिना गार्ड तो वड्डा नुकसान हो सकता सी। रेल मंत्रालय के वलों दस दईए कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिम्मेवार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए हैं और यह एक लापरवाही है वड्डी क्योंकि ड्राइवर जिहड़ा है वह चलता इंजन छड़ के चाबी उसके कोल सी और हेठा उतर गया जिस तों बाद रोल डाउन होके मालगड्डी जी है वह कठुआ तो 40 तो 45 किलोमीटर अंदाजन दसा जा रहा है कि 40 तो 45 किलोमीटर का यह डिस्टेंस होएगा जिसनों तय करती हुई हुशियारपुर पहुंची और इतने आके इसको रोकया गया है और वड्डा हादसा हुण टलिया है क्योंकि एक पैसेंजर गड्डी भी सामने तो आ रही थी यह भी जानकारी है। हालांकि एक स्टेटमेंट बकायदा जेकर आती है रेलवे विभाग की तो उस तो सारा घटनाक्रम पता लगेगा पर सुभाविक तौर पर जिस तरीके के नाल तस्वीर भी सामने आ चुकी ने और जिहड़े चश्मदीद ने उन्होंने बयान तो ही यह पता लग गया है कि पूरी रफ्तार के नाल गड्डी दौड़ रही थी और तस्वीर भी सामने आ चुकी ने। यह भी तुम्हें लगातार न्यूज़ 18 पंजाब सब तो पहला तस्वीर दिखाइया तो तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरीके 70 तो 80 किलोमीटर की स्पीड के नाल मालगड्डी दौड़ती रही। हालांकि इसके सारे डब्बे खाली दसे जा रहे हैं इस करके भी असं कह सकते हैं कि इसे पूरी रफ्तार फड़ी होगी गड्डी ने और बहुत सारे कारण ने क्योंकि सारा अगर जोड़ तोड़ के वेख्या जाए तो वजह कई मनिया जा रही ने पर वड्डा हादसा हुण टलिया है और वड्डी लापरवाही जरूर हुई है। तो सुभाविक तौर पर हुण यह जांच के आदेश जिहड़े ने दे दिए गए हैं रेलवे मंत्रालय के वलों। रेल मंत्रालय ने यह जांच के आदेश दिए ने और यह कहा है कि जिम्मेवार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। इस वक्त असी खड़े हैं हल्का दसूहा दे कस्बा उच्ची बस्सी रेलवे स्टेशन के उत्ते जिथे कि अपने कैमरामैन नूं कहूंगा दिखा देण एक माल गड्डी है जिहड़े कि 2 इंजनां दे नाल है ते इस विच एक बड़ी वड्डी हैरानी वाली गल जिहड़ी है कि इस विच कोई भी ड्राइवर नहीं सीगा। जदों ये रेल गड्डी जिहड़ी माल गड्डी है इस उच्ची बस्सी स्टेशन ते पहुँचती है तो उस तों बाद जदे आके खड़ती है इत्थे आप ते जदों प्रशासनिक अधिकारी जिहड़े भी इत्थे मौके ते रेलवे अधिकारी मौजूद सी जदों आके वह देखते हैं कि इस विच कोई भी ड्राइवर नहीं है तो काफ़ी हत्था पैरां दी सारे रेलवे अधिकारियों नूं पै जांदी है क्योंकि दस दईए कि दसिया जा रहा है कि ये रेल जो हैगी है वो कठुआ तो बिना ड्राइवर ही चल के लगभग 80 किलोमीटर सफ़र तय करके जिहड़ी है उच्ची बस्सी दे रेलवे स्टेशन ते पहुंची है।
मैं दस दवांगा एक बार कैमरामैन फिर कहूँगा दिखा देने कि पूरी मालगड्डी किस तरह लंबी हैगी है, पूरी डब्बे नाल लगे हुए ने, दो इंजन नाल लगे हुए, दोवां चों एक इंजन जिहड़ा है वह स्टार्ट है तो एक इंजन बंद है। सूत्रों तो मिली जानकारी अनुसार दसिया जा रहा है कि कठुआ स्टेशन तो जो ये गड्डी उसका ड्राइवर है जिहड़ा इस मालगड्डी का ड्राइवर है, ड्राइवर गड्डी दे विच चाबी लगा के जो एक इंजन स्टार्ट छड़ के उतरदा थले तो उस तो बाद उसनू सिग्नल नहीं मिलता सी अगला, उस तो बाद वो ड्राइवर उत्थे उतरदा है तो एक गड्डी जिहड़ी है खुद ब खुद ही रिड़दी होई उच्ची बस्सी आ के रुक जाती है। गनीमत है कि इस दौरान कोई हादसा नहीं वापरिया, इस वक्त सब कुछ सुरक्षित है, पर एक बड़ा ही वड्डा सवालिया निशान खड़ा हुंदा है रेलवे विभाग के कर्मचारियों उत्ते, रेलवे विभाग के उत्ते कि किस तरह एक रेल गड्डी जिहड़ी है बिना ड्राइवर तो आके इत्थे खड़ी हो जाती है 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके। और यह भी दस्या जा रहा है कि रेल गड्डी जिहड़ी काफ़ी स्पीड दे विच इत्थे उच्ची बस्सी दे रेलवे स्टेशन पहुँची भी हैगी है, पर फिलहाल जे आपां गल करिए कि कोई भी अधिकारी रेलवे अधिकारी इस विच कुछ भी कहन नूं तैयार नहीं है। ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एफको में हुआ था इलाहाबाद में और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी? सर सुना नहीं था, एक बार ऐसे देखे थे कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है वहाँ पे हमने देखा था, पहली बार वहाँ देखा था हमने ड्रोन। सुनीता जी मुझे ये समझना है कि मानो आप पहले दिन गए जी, पहले दिन आपका ड्रोन दिखाया होगा, फिर कुछ बोर्ड पे पढ़ाया गया होगा, कागज पे पढ़ाया गया होगा, फिर मैदान में ले जाके प्रैक्टिस क्या क्या हुआ होगा, आप मुझे बस समझा सकती है पूरा वर्णन? जी जी सर, पहले दिन सर हम लोग जब गए हैं तो उसके दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पहले तो थ्योरी पढ़ाई गई थी, सब क्लास चले थे दो दिन, क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट है, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था, उसके बाद में फिर सर एक कंप्यूटर पे भी पेपर हुआ था, मतलब पहले क्लास चला उसके बाद में टेस्ट लिया गया, फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का, मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। फिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया? सर ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही, बरसात का मौसम या कुछ भी ऐसे बरसात में दिक्कत होती खेत में, फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा, तो इसके माध्यम से बहुत फायदा किसानों को होगा और वहाँ खेत में घुसना भी नहीं पड़ेगा। हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं वो हमारा ड्रोन से मेड़ पे खड़े होके हम अपना वो कर सकते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा अगर खेत के अंदर है उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमने 35 एकड़ स्प्रे कर चुके हैं अभी तक। तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है? जी सर, किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, समय का भी बचत होता है, सारी सुविधा आप खुद देती हैं, पानी दवा सब साथ साथ में रखती हैं और हम लोगों को सिर्फ आके खेत बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा खेत है और सारा काम आधा घंटे में ही निपटा देती। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो? सर बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे स्प्रे के लिए। अच्छा, क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का, अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने, और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, ये नमो ड्रोन दीदी ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। साथियों, आज देश में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें देश की नारी शक्ति पीछे रह गई हो। एक और क्षेत्र जहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है वो है प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और स्वच्छता। केमिकल से हमारी धरती माँ को जो कष्ट हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है,
हमारी धरती मां को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। देश के कोने कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही है। आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहत इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे पानी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस पानी समिति का नेतृत्व महिलाओं के ही पास है। इसके अलावा भी बहनें बेटियां जल संरक्षण के लिए चौतरफा प्रयास कर रही हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर ऐसी ही महिला है, कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल जी। ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। आइए कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल जी से बात कर उनका अनुभव जानते हैं। कल्याणी जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते। कल्याणी जी, पहले तो आप अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने कामकाज विषय में जरा बताइए। सर मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हूँ और मेरे घर में मेरे पतिदेव, मेरी सास है और मेरे दो बच्चे, और 3 साल से मैं अपने ग्राम पंचायत में कार्यरत हूँ। और फिर गांव में खेती के काम में लग गई, क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज भी है, आपकी पढ़ाई भी क्षेत्र में हुई है और अब आप खेती में जुड़ गई हैं, तो क्या क्या नए प्रयोग किए हैं आपने? सर हमने जो 10 प्रकार के हमारी वनस्पति है उसको एकत्रित करके उससे हमने ऑर्गेनिक फवारनी बनाया। जैसे कि जो हम पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते तो उससे पेस्ट वगैरह जो हमारी मित्र कीट रहती है वो नष्ट हो रहे हैं, और हमारी सॉइल का पोल्यूशन होता है, जो सब केमिकल चीजें वो पानी में घुल मिल रही है उसकी वजह से हमारे बॉडी पर भी हानिकारक परिणाम दिख रहे हैं। उस हिसाब से हमने कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करके, तो एक प्रकार से आप पूरी तरह प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही है। हाँ, जो अपनी पारंपरिक खेती है सर वैसे हमने की पिछले साल। क्या अनुभव आया प्राकृतिक खेती में? सर जो हमारी महिला है उनको जो खर्च है वो कम लगा, और जो प्रोडक्ट है सर तो वो समाधान था कि हमने विदाउट पेस्ट वो किया है, क्योंकि अब कैंसर के प्रमाण जो बढ़ रहे हैं, जैसे शहरी भागों में तो है लेकिन गांव में भी हमारे उसका प्रमाण बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने सुरक्षित करना है तो ये मार्ग अवलंबना जरूरी है। इस हिसाब से वो महिलाएं भी सक्रिय सहभाग इसके अंदर दिखा रही है। अच्छा कल्याणी जी, आपने कुछ जल संरक्षण में भी काम किया है, उसमें क्या किया है आपने? सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमारे शासकीय जितने भी इमारतें जैसे कि प्राथमिक शाला हुई, आंगनवाड़िया हुए, हमारी ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है वहाँ के जो पानी है बारिश का वो सब इकट्ठा करके हमने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है, और जो रिचार्ज शाफ्ट है सर कि बारिश का पानी जो गिरता है वो जमीन के अंदर परकोलेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने 20 रिचार्ज शाफ्ट हमारे गांव के अंदर किए हुए हैं और 50 रिचार्ज शाफ्ट का सैंक्शन हो गया है, अब जल्दी ही उसका भी काम चालू होने वाला है। चलिए कल्याणी जी, आपल्याशी बोलून खूब आनंद झाला, तुम्हाला खूब खूब शुभेच्छा। सर धन्यवाद, सर धन्यवाद, मलाही तुमच्याशी बोलून खूप खूप आनंद झाला, म्हणजे माझ्या आयुष्याचं संपूर्ण सार्थकी लागलं माझं जीवन असं मी समजते। बस सेवा करा। चलिए आपका नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है। धन्यवाद।